गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो, ये जो क्लास होने वाली है वो बीएससी और बीएससी बीएड, ठीक है, दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों का जो सिलेबस है वो क्या है, सेम है। ट्वेल्थ क्लास में हमने फिजिक्स पढ़ी है, इलेवंथ क्लास में हमने फिजिक्स पढ़ी है। इलेवंथ क्लास की फिजिक्स में हमने जैसे मैकेनिक्स पढ़ा था, यांत्रिकी पढ़ा था, ट्वेल्थ क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युती के बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था ऑप्टिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, वहाँ हमने चैप्टर देखे थे इनके। बीएससी फर्स्ट ईयर में यहाँ बुक पढ़ने को मिलेगी आपको तीन। एक तो बुक जो मिलेगी वो है आपके पास कौन सी, मैकेनिक्स। कौन सी है, मैकेनिक्स है, यानी कि क्या, यांत्रिकी। दूसरी बुक जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे वो बुक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म, यानी कि क्या, विद्युत चुंबकी। और तीसरी जो बुक आप पढ़ोगे यहां पर फर्स्ट ईयर में वो है ऑप्टिक्स, यानी कि क्या, प्रकाश की। तो देखो, इन इन टॉपिक्स, ये आपके पास जो चीजें थी, ये यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय और प्रकाश की, ये हम 11th 12th में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम अब जो है डिस्कस करेंगे उससे आगे डिस्कस करेंगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मैकेनिक्स हमने 11th क्लास में पढ़ी थी, जिसमें आपने पार्टिकल की, कण की, वेलोसिटी यानी कि वेग के बारे में डिस्कशन किया था, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बारे में पढ़ा था, बल के बारे में, फोर्स के बारे में। तो वो किस में हम डिस्कस कर रहे थे, मैकेनिक्स में, 11th क्लास में, है ना। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकीय, ये हमने 12th क्लास में पढ़ी थी। कौन से चैप्टर थे भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर थे, याद करो, मैग्नेटिज्म वाले थे, यानी कि स्थिर विद्युत की वाले थे और चुंबकीय वाले थे, जिसमें हमने चार्ज यानी कि आवेश के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे हम, चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, तो ये उससे रिलेटेड है हमारे पास। और तीसरी जो बुक हमने पढ़ी है वो कौन सी है, प्रकाश की है, ऑप्टिक्स है। ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, 12th क्लास में दो चैप्टर थे बड़े बड़े, जिनमें बहुत ज़्यादा मार्क्स के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जिसमें हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, व्यतिकरण पढ़ा था, है ना, रिफ्लेक्शन, परावर्तन पढ़ा था, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन पढ़ा था, ठीक है, डिफ्रैक्शन, विवर्तन पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने किस में देखी थी, ऑप्टिक्स में। तो हम वो तो पढ़ेंगे, साथ में उससे ज़्यादा आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। वहाँ तो ये टॉपिक्स में था, जब हम 11th 12th में इनके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमारे पास जो मैकेनिक्स के थे दो चार टॉपिक्स थे, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय के भी हमारे पास टॉपिक्स थे, प्रकाश की। अब इनकी क्या है, एक एक बुक बन गई। 12th क्लास में फिजिक्स का एक पेपर होता था, अब बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको तीन पेपर होने वाले हैं ना। एक पेपर जो होगा ना, ये है पेपर फर्स्ट, कौन सा होगा, मैकेनिक्स का होगा। तीन पेपर होने वाले हैं फिजिक्स के, एक तो है मैकेनिक्स का, दूसरा जो होगा पेपर वो होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय का, और तीसरा जो पेपर होगा आपका वो किसका होता है हमारे पास, ऑप्टिक्स का। तो तीन पेपर होंगे आपके पास। अब देख लेते हैं ये कितने कितने मार्क्स का होता है। यदि हम बीएससी की बात करें तो ये 50 मार्क्स का होगा, ये भी 50 का होगा और ये भी 50 का होगा, 50-50 के तीन पेपर होंगे, ठीक है। और यदि हम बीएससी बीएड की बात करें, बीएससी बीएड की बात करें तो ये 33 का, ये भी 33 का और ये 34 का पेपर होता है, ठीक है। 33, 33 और 34 का क्या है, तीन पेपर होते हैं, चाहे बीएससी हो चाहे बीएससी बीएड हो ना। सिलेबस सेम है, बस जो सिलेबस हम पढ़ेंगे बीएससी में 50 में से पूछा जाएगा और बीएससी बीएड में
33 नंबर में से पूछा जाएगा। बाकी पढ़ने दोनों तीनों पेपर हैं, यांत्रिकी विद्युत चुंबकीय और तीसरा कौन सा ऑप्टिक्स यानी कि क्या प्रकाश की। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्या करते हैं, पहले यांत्रिकी में भी देख लेते हैं थोड़ा क्या क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत चुंबकीय में भी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और तीसरा हम प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स में भी देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों देख रहे हैं हम? देखो, हम शादी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जा रहे हैं, पहले हम देखते हैं वहाँ पर जो स्टोर लगी होती है हमें क्या क्या खाना है, पहले हम यही तो देखते हैं ना भाई क्या क्या खाना है हमें। सेम ऐसा ही करें, हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम खाते हैं ऐसे, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। तो आज की क्लास में हम तीनों बुक में देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होने वाली हैं जो कि हम ये तीनों बुकों में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मैकेनिक्स की बात करते हैं। सिलेबस भी पता होना चाहिए ताकि हमें पता रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, अच्छा लगता है ना। मैकेनिक्स यानी कि क्या, यांत्रिकी। अब देखो, इसमें भी क्या होती है, आपके पास 4 यूनिट होती है। इस बुक में 3 पेपर होते हैं ना, मैकेनिक्स का, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और तीसरा ऑप्टिक्स का, प्रकाश की का। तो सबसे पहले हम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। जैसे 11, 12 क्लास में आपके चैप्टर होते थे, ठीक है, जैसे 60 और 70 चैप्टर थे आपके पास, है ना, 17। यहाँ पर आपके पास होती है यूनिट। फिजिक्स में आपके 4 यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट में डिवाइड हुआ पड़ा है, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर। आपके पास जो पूरी बुक है वो 4 यूनिट में बटा हुआ है। जैसे वहाँ चैप्टर होते थे, यहाँ पर क्या होगी, यूनिट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, ठीक है, यूनिट्स में है। यूनिट क्या है, 2 या 3 चैप्टर से मिलकर बनी होती है ना। तो यूनिट जो फर्स्ट है हमारे पास, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल लॉ एंड, फिजिकल लॉ एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, यानी कि भौतिकीय नियम, भौतिकीय नियम और निर्देश तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल लॉ, भौतिकीय नियम, वही जो हम पहले पढ़ते हुए आए हैं भाई, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र क्या होता है, आप जानते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र होता है एक्स वाई जेड, ठीक है, ये क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ओरिजन होता है, निर्देश तंत्र के बारे में। तो ये हम पढ़ने वाले हैं किसमें, यूनिट फर्स्ट में। इसमें और भी टॉपिक्स है, जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, यानी कि आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। इसमें क्या डिस्कस करेंगे भाई, कोई कण, कोई पार्टिकल यदि हमारे पास प्रकाश के वेग से गति करता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, कितनी होती है प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो वो किस तरीके का बिहेव करता है, क्या क्या होगा, कौन कौन सी हमारे पास घटना होगी, फैक्ट होगी, तो वो हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें भी फर्स्ट यूनिट में हम एक पढ़ते हैं किसके बारे में, कोरियोलिस फोर्स के बारे में, ठीक है, कोरियोलिस बल के बारे में, ठीक है। तो ये बल होता है एक तरीके का, जैसे पृथ्वी या जो अर्थ है ना, जब वो मूव करती है तो उसके कारण फोर्स लगता है। तो ये सारी की सारी चीजें आप पढ़ोगे यूनिट फर्स्ट में, किसमें, मैकेनिक्स में। अब देखो यूनिट सेकेंड में क्या पढ़ने वाले हैं,
इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र। 11th क्लास में हमने डिस्कस किया था, वहां पढ़ा नहीं पढ़ा याद है नहीं है, अब 100% क्लियर हो जाएगा, रटा दूंगा मैं, कि द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, एक हम इसमें बात करेंगे रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी यानी कि किसके बारे में, दृढ़ पिंड के बारे में। रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, और इसके हेल्प से हम देखेंगे, मोशंस देखेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, किसके ऊपर, रिजिड बॉडी के ऊपर। ठीक है, इसमें एक एक और पढ़ते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। कंजर्वेशन ऑफ फोर्स नाम सुना आ रहा है, संरक्षी और असंरक्षी बल बोलते थे जिसे हम, क्या बोलते थे, संरक्षी और असंरक्षी बल, कंजर्वेशन फोर्स, संरक्षी बल के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये संरक्षी बल, इस पे भी न्यूमेरिकल भी है, टॉपिक भी है, ये कहाँ पढ़ा हमने, 11th क्लास में पढ़ा है ना, तो यहाँ भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होगी, जैसे जैसे हम पार्टी में जाते स्टार्ट कर देते खाना, वैसे वैसे हम सारी चीजें धीरे 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 क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। 2 यूनिट हो गई, इनमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। यूनिट थर्ड जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यानी कि केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति, केंद्रीय बलों के प्रभाव में गति। ठीक है, ये क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है हमारे पास, जैसे गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होता है मोशन में, गति में, है ना, वो देखने वाले हम किसमें, यूनिट थर्ड में। और इसके अलावा हम इसमें एक चीज और देखते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन। ठीक है, क्या देखते हैं, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन, यानी कि अवमंदित सरल। ठीक है, यानी कि हम डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, अवमंदित आवर्ती दोलन। भाई ये क्या होता है, जैसे हमने देखा है झूला होता है ना, झूला होता था, उसमें झूला क्या होता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है ना, तो ये जो ऑसिलेशन होते हैं, आपने देखो को झूलो धीरे 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 क्या होता है, रुक जाता है, तो वो क्यों रुक जाता है ना, ऑसिलेशन हो रहे हैं उसमें, दोलन हो रहे हैं, फिर वो रुक जाता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, और लास्ट यूनिट जो है आपके पास, यूनिट फोर्थ है, ये कौन सी है हमारे पास, इसमें भी हम डिस्कस करेंगे। एक तो पढ़ते हैं हम ड्राइवन हार्मोनिक, ड्राइवन हार्मोनिक एंड कपल्ड ऑसिलेशन, एंड कपल्ड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन इसे, यानी कि हम बोलते हैं इसे चालित आवर्ती, चालित आवर्ती व युग्मित दोलन। ये क्या होता है भाई, अब जब देखो यूनिट थर्ड में तो हम ये डिस्कस कर लेंगे भाई, कि ये झूला चल रहा है, चल रहा है, फिर रुकने लग गया, रुकने लग गया, ये, जैसे यूनिट फोर में आएंगे भाई, रुकने नहीं देना है इसको, फिर चलाना है, हम इस झूले को क्या करना है, फोर्स लगाना है, मूव कराना है, फिर ये क्या करने लगेगा, दुबारे गति कराने लगेंगे हम। तो चालित आवर्ती व युग्मित दोलन के बारे में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिट फोर्थ में। और ये जब सारी चीजें पढ़ लेंगे हमारे पास, तो ये जो बुक है कंप्लीट हो जाएगी, और ये बुक कंप्लीट हो जाएगी तो फिर इसका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम कितने को होगा, अगर बीएससी बीएड वाले हैं तो भाई 33, और बीएससी वाले तो 50 मार्क्स का होगा। सारी के सारी चीजें पढ़ ली तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ए टू जेड एग्जाम में मिलते ही ये सिलेबस के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो ये कौन सी बुक है? मैकेनिक्स की है। मैकेनिक्स 11th क्लास में ज़्यादा पढ़ते हैं हम, उसके बाद 12th में तो हमारे पास ऑप्टिक्स आ जाती है, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाती है, विद्युत चुंबकीय, और प्रकाशिकी के बारे में तो हम 12th में पढ़ते ही हैं। देखो दूसरी बुक कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यानी कि क्या? विद्युत चुंबकी की। भाई विद्युत और चुंबक के बारे में डिस्कस करोगे इसमें, और तो क्या है इसमें भी। ये जो बुक है ना, इसको भी हमने 4 यूनिट में बांट रखा है। कौन कौन सी है भैया? यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड है, यूनिट थर्ड है, यूनिट फोर्थ है, और इसके बारे में भी आपने 12th क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। जैसे फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक हम डिस्कस करते थे किसके बारे में, चार्ज के बारे में, आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, पोटेंशियल यानी कि विभव के बारे में, है ना, ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की थी ना। तो इसमें भी देखो यूनिट फोर है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। तो यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें क्या, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के बारे में। किसके बारे में? इलेक्टर स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, यानी कि अदिश और सदिश क्षेत्र के बारे में, कि ये क्या होता है। वैसे तो आप जानते हो, खूब पढ़ा है 11th क्लास में, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज, है ना, कि अदिश और सदिश क्षेत्र कैसे बनाने वाले हैं हम। सेकेंड जो यूनिट है हमारे पास, यूनिट सेकेंड है, तो यूनिट सेकेंड जो है उसमें हम पढ़ने वाले हैं फील्ड, फील्ड ऑफ स्टेशनरी, फील्ड ऑफ स्टेशनरी एंड मूविंग चार्ज, एंड मूविंग चार्ज। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास? स्थिर एवं गतिशील आवेशों के कारण क्षेत्र, स्थिर एवं गतिशील आवेशों के क्षेत्र। देखो हमने 12th क्लास में इसके बारे में भी डिस्कस किया है कि एक चार्ज होता है, एक आवेश होता है। आवेश क्या क्रिएट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो आवेश होता है ना, जब वो स्थिर होता है, स्टेशनरी होता है उस कंडीशन में, और जब वो मूव कर रहा है, जब आवेश को हम क्या कराएंगे? मूव कराएंगे, गति कराएंगे। तो उस कंडीशन में जब चार्ज मूव होगा, गति होगा, तो उस कंडीशन में जो क्षेत्र होगा, जो फील्ड होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट सेकेंड में। यूनिट थर्ड, इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, यानी कि पदार्थों में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, किसके बारे में? पदार्थों में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, किस तरीके से होता है, क्रिएट कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, पदार्थों के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में, किस में? यूनिट थर्ड में। और यूनिट फोर जो है उसमें हम पढ़ेंगे मैग्नो मैग्नेटोस्टेटिक्स। किसके बारे में? मैग्नो स्टैटिक्स के बारे में, और मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर यानी कि स्थिर चुंबकी की, स्थिर चुंबकी की, चुंबक का बिहेवियर देखेंगे हम, है ना, स्थिर चुंबकी की। अच्छा, स्थिर चुंबकी की में मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? 12th क्लास में अगर आपको याद हो, एम्पियर्स लो, एम्पियर का नियम, बायो सावर्ट्स लो, बायो सावर्ट का नियम, है ना, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे, और ये पढ़ने वाले हैं साथ में। इसमें ही हम पढ़ेंगे
पदार्थों में किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भैया, कि पदार्थों में भी क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये दो बुक आपकी हो गई खत्म, है ना, मतलब सिलेबस खत्म। तो अगर ये सारा हम पढ़ लेंगे तो ये पूरी बुक कंप्लीट, और सेकंड पेपर देंगे हम, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड बुक की। तो तीन पेपर होने वाले हैं, एक तो किसका, मैकेनिक्स का, दूसरा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय का, और तीसरा जो है बहुत अच्छी बुक है, कौन सी, ऑप्टिक्स यानी कि क्या, प्रकाश की। ठीक है, ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, वही बीएससी वाले देंगे इसको 50 मार्क्स का, 50 नंबर का पेपर होगा, और बीएससी बीएड वालों का होगा हमारे पास कितने का, 34 नंबर का। ठीक है, तो यूनिट कितनी होंगी, वही 4 होंगी, यूनिट फर्स्ट, इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर। ठीक है, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर हो गई, है ना। कौन सी, ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की। अब देखो 50 मार्क्स का है तो 4 से डिवाइड कर लेना, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 12.5 कितना हो गया, 12.5 हो गया, है ना। तो 12.5 नंबर का इसमें से, 12.5 का इसमें से, 12.5 का इसमें से, 12.5 का इसमें से आ जाएगा। ऐसे 34 को डिवाइड कर लेना 4 से, तो 1 2 3 4 बट के आ जाएगा भैया जितने। तो देखो यूनिट फर्स्ट में तो आप पढ़ोगे जो 12th में पढ़ा है, स्टार्ट तो वही है, लेकिन उसके बाद ये जो जाने वाला है ना, बहुत ही टॉपिक है अच्छे अच्छे इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में, इंटरफेरेंस यानी कि क्या भैया, व्यतिकरण के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, साबुन का बुलबुला चमकीला बना देंगे हम, है ना। तो वो किस में होता है, इंटरफेरेंस में होता है, व्यतिकरण में होता है। यूनिट सेकंड पूरा इंटरफेरेंस पढ़ोगे, यूनिट फर्स्ट में बहुत से डेरिवेशन है ना, सारे करेंगे धीरे धीरे। यूनिट सेकंड में क्या पढ़ने वाले हम, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, डिफ्रैक्शन यानी कि विवर्तन। 12th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास में हमने पढ़ा था फ्रॉनहोफर विवर्तन के बारे में डिस्कस किया था, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के। यहाँ पर भैया फ्रेनल भी आएगा, फ्रॉनहोफर और आएगा, फ्रॉनहोफर में डिटेल में पढ़ेंगे हम, फ्रेनल तो पढ़ेंगे, फ्रॉनहोफर डिटेल में पढ़ेंगे जो 12th क्लास में पढ़ा था। उसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं डिफ्रैक्शन में। 12th में तो सिर्फ हमने डेफिनेशन देखी थी और फ्रॉनहोफर विवर्तन देखा था, लेकिन यहाँ पर तो हम पूरा का पूरा देखेंगे उससे ज्यादा डिटेल में। यूनिट थर्ड जो है वो पोलराइजेशन है, यूनिट थर्ड कौन सी है, पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन है। ठीक है, पोलराइजेशन यानी ध्रुवन, इसको भी हमने थोड़ा सा 12th में पढ़ा था, याद करो। हम प्लेन पोलराइज लाइट की बात करते थे, समतल ध्रुवित प्रकाश की बात करते थे, किया था ना 12th में। तो यहाँ तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाने वाले हैं किसमें, पोलराइजेशन का, बहुत ज्यादा उपयोग होता है पोलराइजेशन का, तो पढ़ेंगे इस पे। जैसे जैसे समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, अध्रुवित प्रकाश होता है, अनपोलराइज लाइट होती है, जो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में इसमें हम पढ़ेंगे लेजर के बारे में, लेजर वो लाइट होती है ना, ये 40 रुपए की लाइट ठस देने से गई दूर तक जाती है लाइट, उसके बारे में पढ़ेंगे भाई कैसे बनती है, किस पर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्या है उसका। एक हम पढ़ेंगे होलोग्राफी, होलोग्राफी देखो होलोग्राफी भी बहुत मस्त टॉपिक है आपका ना,
बीएससी फर्स्ट ईयर का। होलोग्राफी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप घर में बैठे हो और आपको कहीं बाहर जाना है, घर वाले बाहर जाने नहीं दे रहे, तो आपका क्या बना देते हैं, घर में बैठे की इमेज बना देते हैं और आप बाहर निकल जाओ। अब आप बैठे ऐसा लगेगा, अगर हम आपका होलोग्राफ बना दे तो घर वाले जब दूर से देखेंगे तो आप बैठे हुए नजर आओगे, जबकि वो कुछ नहीं होता, आपका होलोग्राफ होता और आप बाहर घूमो आराम से। ठीक है, तो ये देखेंगे हम कैसे बनाते हैं होलोग्राफी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है होलोग्राफी, और इसमें यूनिट फोर्थ आ जाएगी हमारे पास। यूनिट फोर्थ में हम पढ़ने वाले हैं क्या, वेव मोशन के बारे में। वेव मोशन यानी कि क्या, तरंग गति। तरंग तो हम जानते हैं, सबसे नॉर्मल एग्जांपल क्या होता है वेव का, तरंग का, ये लो एक पत्थर लिया, पत्थर को पानी में फेंक दिया, ये भी चौक डिस्टर्बेंसेस हो गया है ना, ऐसे हो जाता है ना, तो उसको हम बोल देते हैं वेव है, तरंग है, डिस्टर्बेंस जो है। तो इन सभी के बारे में हम धीरे धीरे एक एक स्टेप्स और आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके सारी चीज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने बताई है बुक फर्स्ट, बुक सेकंड, बुक थर्ड, तो ये तीनों आप डिटेल में पढ़ोगे, 100% सिलेबस करने वाले हम, क्योंकि फिजिक्स में पूरे में से कहीं से भी आ सकता है टॉपिक एग्जाम में। ठीक है, न्यूमेरिकल कहीं से भी आ सकता है, तो हम कंप्लीट एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास से हम फिर कोई सी भी एक बुक स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।